नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको एडवाजू की एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि एडवाजू की एप्लीकेशन जो है उसकी जो अर्निंग प्रोसेस क्या है, अर्निंग प्रोसेस क्या है, आपको जो पैसा मिलता है वो एडवाजू की एफिलेट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आपको मिलता है। और आप लोगों को ये समझना चाहिए कि एफिलेट मार्केटिंग क्या है और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अभी एफिलेट मार्केटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एडवाइजर की जो भी अर्निंग है वो टोटली एफिलेट मार्केटिंग के थ्रू होती है। और एफिलेट मार्केटिंग में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को एफिलेट करना, तो एफिलेट मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एडवाइजर का जो टोटल प्रोजेक्ट है वो डिजिटल बेस मार्केट के ऊपर बना हुआ है। डिजिटल बेस मार्केटिंग क्या होती है दोस्तों? डिजिटल बेस मार्केटिंग में मेनली आपका इंटरनेट का यूज़ होता है, वो चाहे लैपटॉप के थ्रू हो, पीसी के थ्रू हो, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो, या आपके मोबाइल के अंदर हो। डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा इंटरनेट का यूज़ होता है और डाटा का जो ट्रांसफ़र है वो इधर से उधर होता है, एक साइड से दूसरी तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से एफिलेट मार्केटिंग की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एफिलेट मार्केटिंग में क्या है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। और वो जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो हम डिजिटल मीडिया के थ्रू करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। और जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इंटरनेट के द्वारा, उसके बाद उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग होता है, और मार्केटिंग के बाद जो इनकम स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम एफिलेट मार्केटिंग। तो मेनली सबसे पहले आपको एफिलेट मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, जस्ट लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, SEO में क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम गूगल पे टाइप करते हैं, जो भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल पे टाइप करते हैं कुछ कीवर्ड्स। जैसे आपको टाइप करना पड़ेगा बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी, ये सब कीवर्ड्स है। इसी तरह एडवाइजर भी जो है वो एक प्रकार से कीवर्ड्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन कीवर्ड्स का यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग का हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, और उसको एफिलिएट मार्केटिंग का एक माध्यम है ये SEO। तो डिजिटल मार्केटिंग में मेनली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ होता है। सेकेंडली उसके बाद होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग भी सेम टेक्निकली चीज़ है SEO की तरह। इसमें क्या है कि जो भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं उसमें हम सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, जो भी हमको चाहिए किसी भी टाइप का कंटेंट हमको कॉपी पेस्ट करना हो और उस कंटेंट के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को प्रमोशन करें, तो वो जो भी कंटेंट उस चीज़ के बारे में लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम कंटेंट मार्केटिंग। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करना, वो भी एक कंटेंट लिख करके, एक पैराग्राफ लिख करके उसके बारे में बता करके, ठीक है। फिर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ होता है, SEO का यूज़ होता है, SEM का यूज़ होता है। जो भी किसी भी प्रकार का जो प्रमोशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, डिजिटल मीडिया का यूज़ करके, और एक चीज़ को प्रमोशन करके दूसरी चीज़ का जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो सब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साधन हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कंटेंट ऑटोमेशन। कंटेंट ऑटोमेशन में क्या होता है, सेम चीज़ जो कंटेंट मार्केटिंग में होती है। फिर उसके बाद होता है कैंपेन मार्केटिंग। कैंपेन मार्केटिंग में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कोई भी नई कंपनी लॉन्च होती है तो उसका एक कैंपेन लगाया जाता है, एक सेमिनार लगाया जाता है। और सेमिनार में क्या होता है कि छोटे छोटे बैनर्स लगा दिए जाते हैं, तो बैनर्स के थ्रू जैसे पेप्सी, कोका कोला, इनके जो बैनर्स आप देखते हैं हर जगह, और इनका जो लॉन्च होता है ब्रांड एम्बेसडर जो लॉन्च होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करोगे तो उसका कैंपेन लगाना पड़ेगा आपको, ताकि उस कैंपेन के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से सभी को पता चले कि ये ब्रांड नया लॉन्च हो गया है, मार्केट में आ गया है कैंपेन के द्वारा, तो उसको बोलते हैं कैंपेन मार्केटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है एफिलेट मार्केटिंग। तो एफिलेट मार्केटिंग के बारे में ये जो जितनी भी चीज़ें बताई, ये एफिलेट मार्केटिंग का एक हिस्सा है, ठीक है फ्रेंड्स। डाटा ड्राइवन मार्केटिंग। डाटा ड्राइवन मार्केटिंग में क्या होता है कि जो DBMS होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, तो वो एक तरह का डाटा ड्राइवन मार्केटिंग में कोई भी चीज़ रिलेटेड है, कोई भी प्रोडक्ट है, ब्रांड है, उससे रिलेटेड जो भी डाटे का इन गोइंग और आउट गोइंग होता है उसको हम डाटा बेस ड्राइवन मार्केटिंग बोलते हैं। उसके बाद है ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग में फ्रेंड्स जो भी चीज़ें होती हैं,
शॉपिंग पोर्टल पे आते हैं। शॉपिंग पोर्टल मीन्स जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया, अलीबाबा हो गया, इसके ऊपर जो भी हम हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम खरीदते हैं वो ई कॉमर्स मार्केटिंग के थ्रू आते हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप फ्लिपकार्ट का ऐड देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे इस प्रोडक्ट में इतनी छूट मिल रही है, अमेजन का ऐड देखेंगे, तो वो टोटली शॉपिंग से रिलेटेड और मर्चेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो ई कॉमर्स मार्केटिंग के थ्रू होती है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग में मेनली फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंकडइन, इंस्टाग्राम, इन सभी चीज़ों पर आप जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या इनके बैनर्स देखते हैं, वॉलपेपर्स देखते हैं, इनको प्रमोशन करने के जो तरीके हैं यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंकडइन, ट्विटर, इनके जो प्रमोशन करने के तरीके हैं उनको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी इससे कनेक्टेड है। और ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग, आपको किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो आपको उसकी मार्केटिंग करने के लिए आपको ईमेल्स के थ्रू थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जितने भी डिफरेंस लीडर्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, पीपल्स हैं, सभी को आप ईमेल के थ्रू अपना बायोडाटा सेंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में मेनली ये जो चीज़ें हैं आपको भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में मेनली क्या होता है कि एक मर्चेंट होता है, कोई भी पोर्टल होता है, एडवर्ट जिसको हम बोलते हैं, एडवर्टाइज़र, रिटेलर, ब्रांड, कोई भी ब्रांड हम मार्केट में लेकर के आते हैं, तो उसको प्रमोशन करने के लिए हमें तीन चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस बेस पे हम कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से हम उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और उसका प्लेटफॉर्म क्या तैयार करेंगे, और उसकी जो मार्केटिंग है उसके लिए हमें पब्लिशर चाहिए। पब्लिशर के साथ साथ हमें उस चीज़ को कहाँ पर पब्लिश करना है, वेबसाइट्स के थ्रू पब्लिश करना है, फेसबुक के थ्रू करना है प्रमोशन, यूट्यूब के थ्रू प्रमोशन करना है, या कैंपेन लगा करके उस चीज़ को प्रमोशन करना है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू द्वारा उसको प्रमोशन करना है, ठीक है। उसके बाद होता है एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब क्या होता है कि हम उस ब्रांड और प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो ज़रूरतमंद है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं। तो वो एफिलिएट का मतलब ये है कि जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है किसी भी चीज़ की, तो वो यूज़र्स तक कैसे पहुँचे। इसमें जो यूज़र्स हैं उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर्स। जो एफिलिएट होते हैं डायरेक्ट उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो उस जो ब्रांड है, एडवर्टाइजमेंट है, उसके थ्रू अगर उनकी रिक्वायरमेंट है उसको बाय और सेल करेंगे, और जो भी चीज़ है यूज़र बेस तक पहुँचाना जो चाहते हैं हम, उस पहुंचाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एफिलेट। और इसमें जो भी मर्चेंट्स हैं, पब्लिशर्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं वो वेबसाइट के थ्रू भी मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, फेसबुक के थ्रू भी करते हैं, ट्विटर के थ्रू भी, यूट्यूब के थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी, और ईमेल मार्केटिंग भी, और कैंपेन लगा करके, इस तरह की जो एडवर्टाइज़र है, मर्चेंट है, और जो एफिलेट है, यूज़र बेस है, उसके बीच में जितने भी साधन यूज़ करते हैं हम, उन सब को मिला करके बोलते हैं एफिलेट मार्केटिंग। तो किसी भी चीज़ का हम प्रमोशन करेंगे, कोई भी पब्लिशर किसी भी चीज़ का प्रमोशन करेगा, तो उसको मर्चेंट से कुछ इनकम जनरेट होती है उस चीज़ को पब्लिशिंग करने की। तो उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। लाइव एग्जाम्पल, हम जस्ट लाइक यूट्यूब, यूट्यूब पे हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कोई भी यूट्यूब देखते हैं, तो सबसे पहले स्किप ऐड आता है। स्किप ऐड का मतलब ये होता है कि आपको उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है, आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ही वो वीडियो ओपन होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, जिसका भी यूट्यूब चैनल है उसको वो इनकम जनरेट होगी एज ए पब्लिशर, और जो मर्चेंट है वो इसमें जो जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो यहाँ पे, उसको मर्चेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब का जो नेटवर्थ है 47 मिलियन डॉलर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। ये फेसबुक का है, मार्क जुकरबर्ग का आप देख रहे हैं, इनका 64 बिलियन डॉलर्स का है एफिलेट मार्केटिंग से, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम का है, व्हाट्सअप का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सब समझ में आ गई होंगी कि एफिलेट मार्केटिंग क्या होता है, और एफिलेट मार्केटिंग को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा ही एडवाइजर जो है आपको पेमेंट जनरेट करके देता है, और इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का, यूट्यूब के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो एडवाइजर की जो कंपनी है वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा जनरेट करके देती है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको टाइम टू टाइम एडवाइजर और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।